तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले कैसे लिंक लिस्ट को यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं एक नोड, कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं एक नोड, और हम देखने वाले हैं कैसे इसको पूरा आप एनालाइज कर सकते हो खुद से। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले देख लेते हैं लिंक लिस्ट का फायदा क्या है, मतलब क्यों हम लोग लिंक लिस्ट यूज करें। हमारे पास तो एरे है, तो हम क्यों लिंक लिस्ट को यूज करें। तो एरे में आप लोग देख चुके होंगे कि आप अगर n डिफाइन कर देते, n इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो बाद में आप 5 से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, 5 डेटा ही आपको इनपुट करना पड़ेगा। तो हमारा जो एरे है, जो हमारा एरे 5, ठीक है, तो 5 तक लिमिटेड है। बट आप अगर एक लिंक लिस्ट क्रिएट करते हो, तो हमारा लिंक लिस्ट कुछ ऐसे दिखता है। एक इस पार्ट में हमारा डेटा रहता है और इस पार्ट में हमारा नेक्स्ट नोड नेक्स्ट रहता है, मतलब नेक्स्ट जो नोड है ये पूरा एक नोड है, ठीक है। तो एक क्या करेगा, पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को, इसमें भी फिर से डेटा है, नेक्स्ट है। तो हम लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं, मतलब इसका कुछ लिमिट नहीं है भाई, इतना ही होगा, 5 डिफाइन कर दिया तो 5 ही होगा। हम इसके बाद भी इसको बड़ा कर सकते हैं, मतलब और डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक फायदा, ठीक है। अभी सेकेंड प्रॉब्लम हमारे एरे में है कि अगर मान लो हमारे पास ऐसा कुछ एक एरे है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मान लो हमको 3 डिलीट करना है, 3 को इस एरे से हटाना होगा, तो कैसे होगा। तो पहले तो हम 3 पोजीशन में जाना पड़ेगा इधर, ठीक है, इस एलिमेंट में जाना पड़ेगा। इसके बाद इसको इधर लाना पड़ेगा, तो भाई इधर गैप्स क्रिएट होगा, मतलब कुछ ऐसे 4 को हम इधर ले आए, 5 इधर था, तो भाई इधर तो एक गैप क्रिएट हो रहा है, तो इसके लिए हमको फिर से 5 को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एरे बड़ा हुआ, बहुत बड़ा, तो भाई इधर मान लो 7, 8, तो फिर से इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, मतलब 7, 8 ऐसे। तो एक सफिशियंट तरीका नहीं है कि हम लोग पूरा ऐसे ट्रैवर्स करते हुए इसको। तो लेकिन हम लोग लिंक लिस्ट में क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास, सोचो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है इधर, ठीक है, अरे पॉइंट करना है नाल को। मान लो हमको इस वाले डेटा को डिलीट करना है, नहीं चाहिए हमको ये वाला डेटा, तो क्या कर सकते हैं, इस पॉइंटर को हम इधर नहीं टारगेट करते हुए इसको जाके हम टारगेट करा देंगे इसको, ठीक है। तो भाई अगर इस वाले वैल्यू चेंज हो गया तो भाई एक कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है भाई। सिंपली जब हम लोग यहाँ हेड है, मैं पूरा बोलूंगा ये हेड क्या है, पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप सिर्फ अभी देखो कॉन्सेप्ट क्या, तो ये अभी लिंक हो चुका है इसके साथ, तो क्या होगा, हम जाना स्टार्ट करते हैं। हेड गया पहले इधर, इसके जो नेक्स्ट है वो अभी ये नहीं है, अभी ये है, तो वो चला जाएगा इधर, इधर जाके उसका डेटा देखेगा, उसके बाद उसका नेक्स्ट क्या है नल, तो हमारा लिंक लिस्ट बन जाएगा ऐसा, ए 1 मान लो 1, 2, 3 था, तो इधर हो जाएगा 1, 3 इसको नल, सॉरी नल, ऐसा कुछ हो जाए। तो बहुत ही इजी था ये, कुछ हमको सिर्फ एक नोड को डिलीट करना पड़ा। तो अभी मान लो कुछ एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है इस एरे के अंदर, ठीक है, मैं एक एरे बना लेता हूँ इधर, हमको इंसर्ट करना है एक एलिमेंट,
तो पहले तो हमको इसका साइज एक बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो चैलेंजिंग एक चीज़ है। उसके बाद इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको इधर, अगर हम सेकंड फर्स्ट पोजीशन में कुछ डेटा ले जाना चाहते हैं तो उसके बाद हो जाएगा कुछ ऐसा, 2 8 3 4 5, ठीक है, मतलब इस सबको शिफ्ट करना पड़ेगा एक एक इंडेक्स, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंजिंग काम है हमारे लिए, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं कि हम लोग, अगर हमारा एक नोड इधर है, एक नोड इधर है, हमारा एक नोड इधर है, तो हमको एक और नोड ऐड करना पड़ा डेटा। तो इधर समझ लो 2 है 3 है 4 है, अभी हम चाहते हैं 5 ऐड हो, चाहते एक और ऐड हो जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, जाएंगे नल तक, लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो मतलब टेल में ऐड करना चाहते हैं, इसका टेल किधर है, ये टेल है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट, इसमें नल नेक्स्ट है, ठीक है, तो ये हमारा टेल है। तो हम लोग टेल में एक और डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो हम कुछ 2, इसका नेक्स्ट 3, इसका नेक्स्ट 4, इसका नेक्स्ट, अभी नल नहीं हुआ, हम तो एक और डेटा चाहते हैं, तो हम कहीं पे एक, मान लो हम लोग इधर एक नोड बनाए मेमोरी, ठीक है, हम क्या कर देंगे, इसको टारगेट करा देंगे इधर और इसको टारगेट करा देंगे नल पे, तो हो गया हमारा एक डेटा इनपुट, ठीक। तो ये हमारा कुछ ऐसे होता है। तो एरे हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यू होता है, मतलब ऐसे, ये हमारा मान लो 200 है, ठीक है, इसके बाद वाला जो इंडेक्स का एलिमेंट होगा वो हमको मिलेगा 204 में, अगर इंटीजर हुआ तो, ठीक है, उसके बाद वाला 204 8, सॉरी 208 में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे कॉन्टिन्यूअस मैनर में आगे जाता है, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, लिंक लिस्ट में अलग अलग पोजीशन में होता है मेमोरी का, उधर हम लोग पॉइंटर से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक नोड को। तो अगर हम लोग सी या सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, क्लास से भी कर सकते हैं, स्टाक से भी कर सकते हैं, मैं स्टाक दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट नोड बना लेते हैं हम लोग एक, इसका नेम, ठीक है, तो हम लोग एक नोड बना रहे हैं, तो इसमें हम क्या होगा, हमारा डेटा, डेटा अगर इंट में हुआ तो इंट, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो किसी अलग नोड को पॉइंट कर रहा होगा, तो पॉइंटेड टाइप, स्टार्ट पॉइंटेड टाइप, ठीक है। हम लोग सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो हमको स्टार्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम चाहते हैं हमारा काम आसान हो जाए, तो चाहते हैं कि भाई इधर ही हम लोग एक वैल्यू भेज देंगे, उसको तुम क्रिएट कर देना, तो हम लोग नोड इंट एक वैल्यू भेजेंगे हम उधर से, ठीक है, तो हमारा डेटा इज इक्वल टू वैल और नेक्स्ट इज इक्वल टू नॉल, नॉल हो जाएगा, ठीक है, और ये क्लोज हो जाएगा। ऐसे हम एक नोड बना सकते हैं। अभी मान लो इससे क्या हुआ, एक ऐसा एक नोड बन गया जिधर हम लोग वैल्यू में डाल दिए 5 और नल में, सॉरी नेक्स्ट में नल, इधर नल है, ठीक है, ऐसा कुछ एक बन चुका है मान लो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे एक पूरा नोड को कनेक्ट करके एक पूरा चेन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए वॉइड
क्रिएट, ठीक है, ऐसा कुछ मना लेते हैं, ठीक है। तो हमको इधर क्या क्या भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा हमको इसका हेड, मतलब हमारा हेड, हेड हमेशा पहले होता है, मतलब स्टार्टिंग में, तो हमारा स्टार्टिंग नोट बताना पड़ेगा हम लोगों को। ऐसे में हम लोग वो क्या होगा, नोट पॉइंटर, नोट को पॉइंट कर रहा होगा। हमको चाहिए क्या, उसका एड्रेस, तो हम लोग एड्रेस से उसको ये करेंगे, ठीक है। और हमारा क्या चाहिए, एक वैल्यू भी चाहिए भाई, हमको एक वैल्यू भी इनपुट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा हेड क्या नल है या नहीं। हेड मतलब हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे में क्या करेंगे, पहले तो एक नोड बना लेंगे, तो इस लाइन से क्या होगा, एक नोड बना देगा। हम लोग देखे थे भाई, नोड के अंदर हम लोग इंट वैल भेज रहे थे, उधर डेटा में वैल जा रहा था और नेक्स्ट में जा रहा था नल, ऐसे एक नोड बना दिया इसने, ठीक है, ये वाला एक नोड बना देगा इसको। अभी हमको क्या करना होगा, हमारे पास हेड के अंदर अगर कुछ नहीं होगा, मान लो पहले में, पहले एलिमेंट के इधर हेड के हेड नल है, ठीक है, हेड अगर नल हुआ, इजिकल टू नल हुआ, तो भाई हम लोग को पता चल गया कि ये इस लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, भाई हेड नल को टारगेट कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, तो हेड इजिकल टू इस न्यू नोट्स के साथ, तो इस न्यू नोट के साथ हमारा हेड चला गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है, सिंपली समझो, ठीक है। इसके बाद हमको रिटर्न करना पड़ेगा, हम मेन में रिटर्न कर लिए, ठीक है। अभी मान लो हमारे हेड के अंदर ऑलरेडी कुछ नोट है, कुछ नोट है, मतलब दो तीन नोड है, बा दो नोड है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हेड को शिफ्ट नहीं करेंगे, हेड हमेशा हेड में टारगेट करेगा, तो हम क्या करेंगे, हेड को एक अलग वेरिएबल में रख के उसके साथ छेड़खानी करेंगे, ठीक है। तो नोड तो मैं इधर लिख रहा हूं, आपको देखने में आसानी होगी, तो हमारा नोड स्टार टिम, तो हमारा हेड को टारगेट करेगा, ठीक है, हेड का एड्रेस इधर आ गया। तो अभी क्या करेंगे, हमको ट्रैवर्स करना पड़ेगा इस लिंक लिस्ट को, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इधर एक डेटा अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे, तो क्या करेंगे, हम लोग तो ऑलरेडी एक नोड बना चुके हैं, ठीक है, हमको जाना पड़ेगा हेड से इधर, मतलब इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो हम लोग जाएंगे वाइल, ठीक है, टेम का इस जो टीम, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल टू नल हुआ, ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये नल नहीं है भाई, कंडीशन ट्रू है तो जाएगा इधर, ये भी नल नहीं है तो कंडीशन ट्रू है, ये जाएगा इधर, इधर आके क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हमको इधर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, टीम तो ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं और कुछ नहीं। अभी हम लोग आ चुके हैं लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको अटैच कर देंगे, मतलब ऐसा कुछ कर देंगे। इससे क्या होगा, इसके लास्ट में, मतलब इधर नाल था, ये नाल अभी इसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा, ये हमारा न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड,
ये हमारा न्यू नोट, ये वाला नोट जहाँ हम ये इधर क्रिएट कर चुके ऑलरेडी, तो हम लोग क्या करेंगे इसके नेक्स्ट में इसको डाल देंगे और इसको नल में टारगेट कर देंगे, ठीक है। तो ये इधर ऐसा कुछ हो जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, उसके बाद ये अटैच हो चुका है, उसके बाद नल, ठीक है। कुछ ऐसे होता है हमारा इंसर्ट मेथड, ठीक है। इंसर्ट एट टेल, हम लोग क्या कर रहे हैं टेल के उधर अटैच कर रहे हैं कुछ नोट को, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता है हमारा ये प्रोग्राम और ऐसे चलता है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए कैसे इंसर्ट करते हैं टेल में, तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम डिलीट कर सकते हैं इस नोट को इस लिंक लिस्ट के अंदर से, ठीक है। तो मान लीजिए अब हमारे इधर है 2, 5, 3, 4, ठीक है, हमको डिलीट करना है इस 5 को, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो फिर से void, तो हम लोग कर क्या रहे हैं ओरिजिनल लिंक लिस्ट में कुछ डिलीट कर रहे हैं, तो हमको रिटर्न कुछ करना नहीं पड़ेगा, रिटर्न ऐसे कुछ हम लोग डिक्लेयर करते डिलीट एलिमेंट। तो पहले तो हमको पता है भाई हेड भेजना पड़ेगा, हमको हेड जानना पड़ेगा, हमको अगर हेड पता चल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो नोड स्टार स्केयर, ठीक है, और हमको की भेजना पड़ेगा इंट, कौन सा वाला की हमको डिलीट करना है, ठीक है। की मतलब हमको अगर 5 डिलीट करना होगा तो 5 भेजेंगे, 3 डिलीट करना होगा तो 3 भेजेंगे इधर, ठीक है। अभी हम लोग इस लिंक लिस्ट को कुछ ऐसे देखते हैं कि हम लोग इधर नल है, ठीक है, नल इसको पहले जा रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम इधर टारगेट कर देंगे टीम को, तो पहले तो हमको एक पॉइंटर नोट पॉइंटर टेम उसके अंदर हम हेड भेज देंगे, ठीक है। हेड क्यों भेज रहे हैं, तो हम हेड से छिड़कनी नहीं करेंगे, हमको हेड को एज इट इज रखना है, ठीक है। तो टेम भेजेंगे, तो टेम है इधर टी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और एक नोट पॉइंटर होगा जो प्रीवियस को नोट करना, जो हमारे प्रीवियस को टारगेट कर रहा होगा, तो इसका प्रीवियस क्या नल है, तो नल को ये एड, तो नल को ये टारगेट कर रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमारा एक और पॉइंटर चाहिए इसका नेक्स्ट, इधर हो गया हमारा प्रीवियस पी पी से समझ लीजिए, अभी हमको नेक्स्ट चाहिए, नोट नेक्स्ट, मैं बताता हूँ क्यों चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट इसको भी हम नल पे रख देते हैं इधर, ठीक है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास इस पहले एलिमेंट के अंदर ही है हमारा एक ही, मान लीजिए, तो क्या कर सकते हैं, एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ हमारा जो हेड टीम, हेड को हम टीम के अंदर भेज दी, इसीलिए टीम नॉट इक्वल टू नल, ये नल नहीं है भाई, इसके अंदर कुछ वैल्यू है, एंड एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड हमारा जो की है वो यही है, मतलब टीम डाटा टीम के अंदर जो डेटा है वही है हमारा की, ठीक है। तो ये हमारा की, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे इसको डिलीट कर देंगे, सिंपल। अभी डिलीट कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। अभी हेड हमको ये वाला डिलीट करना है, ठीक है, हेड को हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिलीट हो जा रहा है तो हमारा हेड क्या किधर जाएगा, इसके आगे वाले जो हेलो है उसके अंदर पॉइंट कर रहा होगा, हेड को शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे में हेड को क्या करेंगे, हम इस टेम के
नेक्स्ट में भेज देंगे, नेक्स्ट में भेज देंगे, मतलब इधर था इधर भेज देंगे हमको हेड को, ओरिजिनल हेड, ठीक है? ऐसे आपको अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए कि ओरिजिनल हेड को हम भेजते रहे उधर, क्योंकि हम लोग ये डिलीट कर रहे हैं तो ये वाला नहीं है। अभी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इधर से, ठीक है? ऐसे में, ठीक है, तभी हम रिटर्न कर देंगे और हमको रिटर्न करने से पहले इस नोट को अगर ये हम डिलीट कर रहे हैं तो इसको फ्री भी करना पड़ेगा हमारे मेमोरी से। तो फ्री टेम्प, टेम्प को हम फ्री कर रहे हैं, मतलब उसको हम मेमोरी से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है? ऐसे समझिए। तो ये होगा, तो ये हो गया हमारे पहले एलिमेंट के अंदर अगर डेटा है, ठीक है? हमें हम लोग देख लेते हैं अगर ये नहीं हुआ तो। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लेकिन प्रोग्राम में इधर ये वाला पार्ट होने के बाद, इसके बाद जो हम करने वाले वो होगा, ठीक है? इरेज करने के बाद हम लोग देख लेते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद होगा क्या, तो हम लोग तो ऑलरेडी इधर पॉइंट कर चुके हैं, ऑलरेडी थ्री पॉइंटर डिक्लेयर कर चुके हैं। एक टेम्प है हमारा, एक नेक्स्ट है, एक प्रीवियस। तो पहले क्या करेंगे, हमको जाना पड़ेगा उसकी के अंदर। इसके लिए हमको सिंपली पता है भाई, ट्रैवर्स करना पड़ेगा इस लिंक लिस्ट को। ट्रैवर्स करने के लिए क्या होगा हमारे पास, वाइल, वाइल से क्या करेंगे हमारा, अगर टिम्प नल नहीं हुआ, नॉट इज इक्वल टू नल, एंड टिम्प का जो डेटा है नॉट इक्वल टू की, तो मान लीजिए हमको चाहिए थ्री, ठीक है? तो हमारा जो पहला जो टीम टारगेट कर रहा है वो है इसको, तो हमारे पास नल नहीं है, परमिशन ट्रू, डेटा भी की के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाएंगे, हमको नेक्स्ट को पहले इधर ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, नेक्स्ट, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट इज इक्वल टू टिम के एड्रेस के उधर भेजेंगे। टिम के नेक्स्ट जिधर पॉइंट कर रहा उधर भेजेंगे, ठीक है? आसान हुआ, इधर चला गया। अभी हमको क्या करना, प्रीवियस, अभी तो ये वाला हम नोट चेक कर रहे थे, तो प्रीवियस को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस को इसके पहले वाला नोट के अंदर ले आना पड़ेगा। तभी हम लोग टीम को इधर ही है, टीम इधर ही है, हम क्या करेंगे, प्रीवियस इक्वल टू टीम कर देंगे, अभी हमको टीम को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। हम लोग इधर ले आए ऑलरेडी पी को, ठीक है? मान लीजिए ये नहीं है अभी, ठीक है? ये भी नहीं है, एक बार रन हो चुका। उसके बाद टी को हमको क्या करना पड़ेगा, इधर ले आना पड़ेगा, टी को इधर ले आना पड़ेगा। तो कैसे होगा, टेम्प इज इक्वल टू नेक्स्ट, तो आ गया नेक्स्ट के अंदर। तभी हम लोग इसको भी इरेज कर देते, टेम्प आ गया इधर टी, ठीक है? तो कुछ ऐसे हम लोग देख सकते हैं, तो ऐसे हम लोग पूरा ट्रैवर्स कर रहे होंगे, ठीक है? तो फिर से क्या होगा, ये इधर जाएगा, ठीक है? टी इधर आएगा, टी को फिर से हम लोग इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो अभी क्या हुआ, हमारा थर्ड टाइम जब इधर एंड पॉइंट करेगा, टी भी इधर पॉइंट करेगा और प्रीवियस इधर पॉइंट करेगा, तब हम लोगों को की मिल चुका होगा, तो कॉन्डिशन फॉल्स, ठीक है? हम लोग बाहर आ जाएंगे इधर। तो बाहर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट को इधर भेज देंगे, ठीक है? नेक्स्ट को इधर भेज देंगे, नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ठीक है? एक बार कर देंगे, एक बार ये इधर चला गया, अभी हमारा एन इधर है,
ठीक है, अभी हमको पता है भाई प्रीवियस कौन सा वाला है, नेक्स्ट कौन सा वाला है, किसको डिलीट करना है, तो क्या कर देंगे हम, इसको इधर टारगेट कर देंगे, इधर ऐसे टारगेट कर देंगे इधर, तो अभी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं, तो क्या करेंगे, पी का प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसको हम ओवरराइट करके इस एम को भेज देंगे, इज इक्वल टू नेक्स्ट, हो गया हमारा काम। अभी हम ये डिलीट कर देंगे सिंपली, ठीक है, सिंपली ये डिलीट हो गया हमारा, तो हमारा नोड क्रिएट हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कैसे डिस्प्ले कराएंगे इस नोड को, ठीक है, इस नोड को भाई डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे एक लिंक लिस्ट को प्रिंट भी करना पड़ता है, ठीक है। हमारा हमारा जो लिंक लिस्ट है वो 5 है, ठीक है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 9 है, ठीक है, उसको हमको प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम void एक फंक्शन को यूज करेंगे, void डिस्प्ले, ऐसा हम लिख देते हैं। इसके अंदर हमको क्या भेजना पड़ेगा, एक हेड, हमको पहला जो नोड है उसको भेजना पड़ेगा, तो नोड ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, हमेशा ही बोलते हैं भाई हेड के साथ छिड़खनी नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक नोड पॉइंटर बना लेंगे जो पॉइंट कर रहा होगा हेड को, ठीक है, हेड को पॉइंट कर रहा है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा इस लिंक लिस्ट को, ठीक, कंडीशन क्या होगा, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, क्यों, हमारे इस टेम्प नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू है, क्योंकि इधर तो नल नहीं है, ये तो नल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू। इसके अंदर आ जाएंगे हम, इसके अंदर क्या करेंगे, सी आउट प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट होगा टेम्प, टेम्प के अंदर जो डेटा है इस डेटा को प्रिंट करेंगे, तो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, इसको आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। इसके बाद हम तो पॉइंटर को इधर ले जाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, ठीक है। अभी हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, अभी हमको प्रिंट कर देते इधर सी आउट इज इक्वल टू ये ना, तो अभी प्रिंट करते सी आउट नल, ऐसा प्रिंट कर सकते, तो एक कैसे प्रिंट होगा, ये कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, 5 3 2 0, कुछ ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।